दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल रिवाइव नेट पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ऑफ द ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको हर उस 30 के 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, फिर वो टॉपिक कौन सा होगा वो आज मैंने डिसाइड किया है। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस पर मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। अगर आपको ऐसे ही 30 क्वेश्चन रेगुलरली चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम कंटेंस ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया। तो आपको पता है इसका आंसर आएगा किंगडम मोनेरा, जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और उसका सिंपल आंसर था। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। कौन से किंगडम में एल्गी को इंक्लूड किया गया है? तो उसका आंसर है किंगडम प्रोटिस्टा। यह आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, पता चल गया ही होगा। तो फंगी यूजुअली स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना क्यों जरूरी है दोस्तों? आप देखिएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है लिपिड और सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन एंड ऑयल एकदम एक्यूरेट आंसर था, इसलिए यहाँ पे हमने लिपिड की जगह पे ग्लाइकोजन एंड ऑयल को चूज किया और हमारा आंसर राइट गया है दोस्तों। इसलिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऑप्शंस पूरे के पूरे पढ़िएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रीजन फॉर द फैक्ट दैट नाउ साइनोबैक्टीरिया आर कीप्ड इन द किंगडम मोनेरा नॉट इन अ किंगडम प्लांटी। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है प्लांटी की जगह पे? तो अभी हमें यहाँ पे रीजन देखने हैं। पहला है दे आर प्रोकैरियोटिक, दूसरा है द सेल वॉल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया हैज द पेप्टिडोग्लाइपिन, और तीसरा है दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो तीनों के तीनों आंसर या फिर रीजंस या फिर स्टेटमेंट्स राइट है, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, जो कि एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पॉइंट टू द डीमेरिट्स ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोसीडेड बाय द लिनाइस। लिनाइस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे वर्क किया उसके डीमेरिट्स बताने के लिए कौन से पॉइंट्स एक्यूरेट है? तो पहला है यूग्लिना हैज अ फीचर बोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। देन सेकंड इज क्लाइमेडोमोनास इज एन ऑटोट्रॉफिक बट हैज फ्लैजेला। एंड थर्ड पॉइंट इज स्लाइम मोल्ड रिजेंबल्स एनिमल्स इन वन फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल एंड प्लांट्स इन अदर फेज। सो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, जो कि डीमेरिट्स ऑफ लिनाइस बताते हैं या फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स बताते हैं। अभी हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट हैज नॉट मैच्ड करेक्टली विद देयर ऑल कैरेक्टर्स। तो किंगडम मोनेरा प्रोटिस्ट है, सेल वॉल एब्सेंट है उनमें, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर मिल गया है, फिर भी हम नीचे के ऑप्शंस देखना जरूरी होता है। जैसे कि हमने वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखा था जहाँ पे ग्लाइकोजन एंड ऑयल आया था, वहाँ पे हमारी गलती हो सकती थी, पर हमने एकदम एक्यूरेट से देखा इसलिए हमारी गलती नहीं हुई। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स, तो उसमें पहला दिया गया है स्क्रोकोकाई और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेस एंड लास्ट में है ट्रिपोनिमा पैलिडम, और आगे है स्पिरेकल, फिर हेलिकल, कोलाइड एंड रॉड शेप्ड। और यहाँ पे हमें मैच करना है इन्हें, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि फर्स्ट का आंसर आएगा 3, सेकंड का आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड का आंसर आएगा सेकंड। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बैक्टीरिया आल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन जो है दे आर द ऑब्लिकेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, ये एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर आएगा जैसे कि हमें कहा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए।
अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया दैट दे शेयर विथ यू कैरियोट्स। तो ऑप्शन स्टेटमेंट्स है, द सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, फिर ट्रांसिशनल इंस्टेंस्टेड फॉर्मुलेटेड मिथेनो, एंड फिर आरएनए पॉलीमरेज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक आरएनए एंड एटीपेज सिमिलैरिटी। तो हमारा आंसर आएगा एटीपेज सिमिलैरिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड द पॉइंट नंबर फिफ्थ। दोस्तों आप पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस लिखिएगा। पहले आप अपने नोटबुक में 30 के 30 क्वेश्चंस लिखिएगा, फिर आप ऐसी नोटबुक बनाइए आज से जिसमें आप जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आप नोट डाउन करेंगे। उसमें आप हर रोज आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो लिखेंगे। ऊपर पहले लिखेंगे आप टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर आप नीचे उसमें के जो क्वेश्चंस रॉन्ग है वो लिखेंगे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स दैट इज नॉट यूनिक टू अ आर्किबैक्टीरिया। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सिर्फ आर्किबैक्टीरिया के लिए यूनिक नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर ये यूनिक है आर्किबैक्टीरिया में, सेल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये भी यूनिक है आर्किबैक्टीरिया का, फ्लैजिलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर ये भी यूनिक है आर्किबैक्टीरिया का, पर फैटी एसिड सिंथेसिस प्रेजेंट ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है आर्किबैक्टीरिया का, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर आएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू बैक्टीरियाज। यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रू बैक्टीरियाज। तो अभी हमने नीचे के स्टेटमेंट्स पढ़ने होंगे, एज अ ग्रुप दे हैव एग्जिबिट द मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। फिर कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक, ये करेक्ट है। फिर हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये भी राइट है। पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फ्यूजन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्म। तो पहला स्टेटमेंट है, दे आर जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट हैव अ यूनिक सेल वॉल ऑफ देयर ओन। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इन देयर जेनेटिक कोड UGA कोड्स फॉर द ट्रिपोनिन, और आगे है नन ऑफ द पैथोजन टू द ह्यूमन दे हैव द पैथोजेनिक कैरेक्टर्स। तो उसमें का हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट आएगा कि उसमें UGA का कंटेंट होता है। दोस्तों आप मत सोचिएगा कि मतलब एक ही टॉपिक पे आपको वीडियोस आएंगे, आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आएंगे। आज मैंने चुना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, मैं बायोलॉजी पहले ख़त्म करूँगा, फिर बाद में मैं फिजिक्स और फिर लास्ट में मैं केमिस्ट्री कवर कर लूँगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट बिकॉज दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दैट हैबिटेट, देयर लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, देयर वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल एंड द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो उस पर के स्टेटमेंट से कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, तो देयर वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ये एकदम करेक्ट आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेसिक्स एंड हैव अ सेल वॉल दैट हैज अ स्टफ सेलुलोजिक प्लेटलेट्स एंड द आउटर मोस्ट सरफेस, दे हैव टू फ्लैजेला, हैव अ क्लोरोप्लास्ट बॉन्ड बाय अ 3 मेम्ब्रेन्स। और भी हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनने हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स उसमें इसमें के होंगे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, चारों की चारों स्टेटमेंट्स इसमें ये करेक्ट है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली चाहिए होंगे आगे भी, जो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके 3 चीज़ों में परफेक्ट बनने के लिए। पहला है क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, फिर बाद में प्रेशर हैंडलिंग, और थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। ये तीनों में आपको ये परफेक्ट बना देगा। आपको घर पे 30 क्वेश्चंस लिखने हैं, फिर मैंने जो आंसर दिए वो आंसर की बना के रखने हैं और आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अ डाइकैरियन स्टेज एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन अंडरगो द न्यूक्लियर माइटोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट द फंगी। तो चारों के चारों ये फंगी से रिलेट कर लेंगे ऑप्शन, जो कि है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, डाइकैरियन है, फिर सेलवॉल उसका चिटिन से बना होता है।
अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंगी आर द ट्रू? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, फिर सेकेंड है देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ द हाइपे दैट मेनी बी इंटरकनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ माइसिलियम, एंड द थर्ड इज दे सेपरेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन टू ऑर्गेनिक मैटर एंड देन एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन। देन द फोर्थ पॉइंट इज द फंगी ब्रेक डाउन द ऑलमोस्ट एंड एनी कार्बन कंटेंट, एंड लास्ट इज फंगी डू नॉट दस डू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें से चार जो है ट्रू है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आएगा। वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इडिबल मशरूम? इसमें से कौन सा मशरूम इडिबल नहीं है? तो हमें पता है एनिटिया फेलिडेस इज नॉट अ इडिबल मशरूम, पर भी आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़ने होंगे दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, न्यूक्लियर एनवलप, मेम्ब्रेनस लैकिंग स्टेरल्स एंड एटीएस राइबोसोम स्प्लिट जीन्स। इसमें से कौन सा कैरेक्टर फंगी शेयर नहीं करता यूकैरियोट्स से? तो इसका आंसर है मेम्ब्रेन लैकिंग स्टेरल्स, एक ऐसा कैरेक्टर है जो फंगी में यूनिक है यूकैरियोटिक्स से। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फंगी रिजेंबल प्लांट, फंगी के ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो प्लांट से रिजेंबल करता है? लैकिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये तो नहीं है। रिप्रोडक्शन बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, ये भी नहीं है क्योंकि प्लांट्स सेक्सुअल मीन्स से करते हैं। हैविंग अ सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, ये एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। और एग्जिबिशन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, ये नहीं है क्योंकि वो फंगी नहीं दिखाते, कुछ प्लांट्स भी नहीं दिखाते। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज यूनिक टू फंगी, दैट इज सेल वॉल ऑफ ग्लाइकेंस एंड चीटिन, ये एक एकदम यूनिक कैरेक्टर है फंगीज में। फिर भी हम नीचे के ऑप्शंस पढ़ेंगे क्या इनमें से कोई दूसरा है क्या। लैकिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं है। मिथेनो ट्रिप होल्स एंड ग्लूकेन एज स्टोरेज नहीं है। हैप्लोइड न्यूक्ली नहीं भी। अभी हम बढ़ते हैं 21th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ ट्रू फॉर माइक्रोजिया? नियरली 30% ऑफ अ वस्क्यूलर प्लांट हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द फंगी, देन द फंगस प्राइमरीली मेक्स नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट, फंगी गेट ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम प्लांट, नो। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। सो आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फंगी दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ ऑल द कैरेक्टर गिवन। सो फाइकोमाइसाइटिस जो है उसमें माइसिलियम है, असेप्टेट है वो, एंड कोनियोसाइड भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है मोटाइल वे से, और जूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल एंड अल्पिनोस्पोर्स ये भी है, इसमें सब के सब कैरेक्टरिस्टिक में मैच होते हैं। माइसिलियम अनब्रांच असेप्टेड, इसमें एक कैरेक्टर मैच नहीं होता है, तो हमारा आंसर आएगा एस्कोमाइसाइटिस। अभी हम नीचे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं बेसोडोमाइसाइटिस में, माइसिलियम ब्रांच्ड एंड असेप्टेड असेक्सुअल स्पोर्स एंड जनरली नॉट फाउंड, तो ये भी इसके कैरेक्टर से मैच होता है। तो अभी हम बढ़ते अगले स्लाइड की तरफ जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 होगा। ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज, ये भी डर्मेटोमायसाइटिस से मैच होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था और हमने कहा भी था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 23rd क्वेश्चन है। विच मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विद अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देम? तो बेजरनिक जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर ल्यूकोमेंट्रिस का, पैश्चर का, थ्रोएट का और स्टेनले का। तो अभी हम उसको मैच करते हैं क्योंकि मैं भी पहली बार ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ ही। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन
2, 5, 1, 3, 4 ऐसा इसका मैच आएगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप मैच ऑफ फॉलोइंग लिखिएगा, फिर बाद में आप उसको मैच कीजिएगा और फिर बाद में आप ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है आपके ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी गड़बड़ में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी इसके बारे में। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 24th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वायरस हैज अ प्रोटीन कोट कॉल्ड एज कैस्पिड मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैस्पोमेयर्स, फिर द कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए एंड डीएनए, और फिर कैप्सोमर्स आर अरेंज ऑफ, नहीं जो ऑप्शन नंबर 2 है वही रॉन्ग है, बाकी ये सारे के सारे नीचे के राइट है। वायरस इन्फेक्शियस भी होता है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट में से कौन सा है, तो स्लाइम मोल्ड एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो सेप्रोफाइटिक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा खींची जा रही है इसलिए मैं फर्स्ट ले रहा हूँ अभी। अभी हम बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, 26th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूग्लेनॉइड्स इज नॉट ट्रू, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ लिपिड रिच पेलिकल। ये एक नॉट ट्रू यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है यूग्लेनॉइड्स के रिगार्डिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन 30 क्वेश्चंस में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है यूट्यूब ने। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 27th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ये करेक्ट है। डायनोफ्लैजेलेट रेड टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी करेक्ट है। पर स्लाइम मोल्ड्स जो है स्पोर्स जो है उनके वाटर में नहीं होते, डिस्प्रेस्ड बाय द वाटर, ये रॉन्ग है। यूग्लेनॉइड्स प्रोटीन रिच पेलिकल होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एक करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ आर्क इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सुडो पेप्टिडोग्लाइकेन इन अ सेल वॉल लीनियर क्रोमोजोम, लीनियर क्रोमोजोम एक करेक्ट आंसर आएगा 28th के लिए। अभी हम बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट, तो इसका तो पहला ही है, आर प्राइमरीली एक्वाटिक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन है, मैच द एटम्स इन कॉलम 1 एंड द कॉलम 2, तो डायटम्स प्रोटीन रिच लेयर ऑफ अ पेलिकल, डायनोफ्लैजेलेट सेल वॉल ऑफ सिलिका, देन स्पोर्स ऑफ द यूग्लेनॉइड्स विद अ ट्रू। जो करेक्ट मैच है वो डी बी ए सी आएगा। अभी मैंने मैच किया है, अभी मैंने वीडियो पॉज करके फिर बाद में रिकॉर्डिंग की इसकी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एक राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे अगला चैप्टर भी आप बता सकते हैं जिसपे मैं 30 क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। दोस्तों ये सिर्फ चैनल आपके भलाई के लिए है।